दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आता है तो उसके साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देना चाहती हूँ कि आपको किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी है और क्या क्या चीज़ इसके पीछे लॉजिक है, क्या साइंस भी कहता है, और एक ऐसा उपाय बताऊँगी जिससे कि आप इन सारे टेंशंस को आप आराम से भूल सकती हैं और निश्चिंत रह के आप अपनी पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी इंजॉय कर सकती हैं। तो सबसे पहले, ऐसा माना जाता है कि जब से सूर्य ग्रहण लगता है उसके एक दिन पहले या थोड़े देर पहले ही सूतक समय शुरू हो जाता है, और सूतक समय से लेके जब तक ग्रहण एंड ना हो आपको कुछ कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। और आपको क्या क्या करना है इसके बारे में बता दूं, तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जब से सूतक समय शुरू होता है तब से लेके जब तक कि ग्रहण एंड ना हो जाए तब तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, ना ही आपको खाने पीने जैसी कोई भी वस्तु बनानी है। तो उस समय आप क्या करो, तो देखिए एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बात बताती हूँ कि ये जो विश्वास लोग बनाए हैं उसके पीछे भी कुछ कारण है, उसके पीछे की क्या साइंस है। ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य से जो भी हार्मफुल रेज आती हैं उससे जो खाना है वो दूषित हो जाता है और पानी पीने योग्य नहीं रहता है, इसलिए अवॉइड किया जाता है कि इस समय आप ना खाइए ना पीजिए। लेकिन अभी लॉजिक की मैं बात करूँ तो ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रेगनेंसी में एक महिला को अपने पूरे शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए उनको हर एक 2 घंटे पे 2.5 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना पीना होता है। तो वो भला कैसे सूतक समय से लेके एकदम लास्ट समय तक कैसे नहीं खाएंगी, तो अगर इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप अपने खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता रख दीजिए। इसे ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पत्ता उस बुरे प्रभाव को कम करता है, चाहे वो आपके पीने का पानी ही क्यों ना हो, आपको अच्छे से उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखना है, उसके बाद आप उसे ले सकती हैं आराम से। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि आप बाथरूम नहीं जा सकती हैं, तो भला फिर भी मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ऐसी कोई भी लॉजिक नहीं समझ में आती है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी में बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वो महिलाएं आराम से जा सकती हैं। तो इसके पीछे उनकी मानसिकता ये थी कि पहले के ज़माने में जो गाँवों में अभी भी आप देखोगे जो बाथरूम होता था वो आंगन के बाहर होता था, तो वहाँ तक लेडीज़ को जाने में उसके जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो उनके शरीर तक पहुँचता था, इसलिए वो लोग बाथरूम जाने के लिए अवॉइड करते थे। लेकिन अब तो घर पे ही सबके बाथरूम है तो वो आप आराम से जा सकती हैं। और रही बात जो गाँव की महिलाएँ हैं वो कैसे जा सकती हैं, तो अपने शरीर को अच्छे से ढक लीजिए ताकि किसी तरह की हार्मफुल रेज आप तक नहीं पड़े, और कोशिश करिए कि बाथरूम जाना ज़रूरी ही ना हो इतना, मतलब आप खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करिए अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो अपने शरीर को ढक लीजिए और बेझिझक आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं। और रही बात जो छाया पड़ने की मैंने बात की, तो आप अपने घर के खिड़की दरवाजे काफ़ी अच्छे से बंद कर लें, क्योंकि खिड़कियां खुली रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी छाया आपके बेडरूम तक आएगी, तो ये सब को अवॉइड करिए क्योंकि इसकी छाया अच्छी नहीं मानी जाती है। और इसके पीछे की साइंस यही है कि बुरी शक्तियाँ बहुत लोग मानते हैं, लेकिन साइंस देखिए यही है कि बुरी शक्तियाँ कुछ नहीं होती हैं, लेकिन हार्मफुल रेज जो होते हैं जो कि सूर्य से निकलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, इसलिए अवॉइड किया जाता है। तो आप अंधविश्वास के साथ साथ उसके पीछे की लॉजिक और साइंस को भी समझने की कोशिश करिए और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका प्रेगनेंसी और आपका बेबी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि आप इन अंधविश्वासों में पड़े रहें। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग हमेशा ये चीज़ पूछते हैं कि इस वक्त हमें लेटना नहीं होता है, सोना नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि सूतक समय से लेके लास्ट तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, सोना नहीं है, लेटना नहीं है, करवट तक नहीं लेना है। तो आप इमेजिन करिए कि कोई भी प्रेगनेंसी में कोई लेडी है जो अगर बेली बम का भी इतना वेट रहता है तो वो कैसे रेस्ट नहीं करेंगी। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय बोलती हूँ, वो आप करिए और डेफिनेटली आप निश्चिंत होकर सोइए, उठिए, करवट लीजिए, जो करना है करिए, आराम से रहिए। आपको अपने नाप का एक धागा को नाप लेना है और उसको आराम से आप सेलो टेप से चिपका दीजिए दीवार के ऊपर, और वो स्टैंडिंग पोजिशन में होना चाहिए। तो ऐसा सिंबॉलिक माना जाता है कि आपके बिहाफ में आप नहीं बल्कि वो धागा खड़ा है, और अगर धागा नहीं कर सकते हैं तो एक डंडे को नाप के अपने स्टैंडिंग पोजीशन पे रख दीजिए। लेकिन डंडे से ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप धागे को बिना गांठ बांधे आप सेलो टेप से उसको दीवार पे चिपका दीजिए और भूल जाइए, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नियम कानून को फॉलो नहीं करना है। और बहुत सारे लोग का तो ये भी मानना होता है कि अपने साथ एक कच्चा नारियल रख लें, तो कच्चे नारियल के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैंने अपने खुद के प्रेगनेंसी में 2-3 बार ग्रहण पड़ा था और मैंने धागे वाला ही चीज़ किया, और भगवान की दया से मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, कुशल हैं और अच्छे से हैं। तो आप भी इसी तरह से चीज़ें कर सकते हैं। और देखिए रही बात आपके बड़ों की,
तो अगर बड़ों के हिसाब से अगर आप कुछ चीज़ें करते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। देखिए उनकी भी अलग धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, तो उनका भी मन रखने के लिए आप ये सब चीज़ें फॉलो करिए, लेकिन अपने हेल्थ को हैम्पर करके, अपने कंफर्ट को हैम्पर करके ये सारी चीज़ें नहीं करिए। और अपनी जो बड़ी हैं, माँ हैं, सासू माँ हैं, उनको आप अच्छे से समझाइए, क्योंकि उनके लिए भी उनका नाती पोता ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, ना ही उनके लिए अंधविश्वास। तो अगर आप उनको समझाइएगा तो वो बेझिझक वो अच्छे से समझ जाएंगे, उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और बस खुशी खुशी अपनी प्रेगनेंसी इन्जॉय करिए, भगवान से दुआ करिए कि आपके, और हाँ भगवान से दुआ करने की भी बात मैं बताऊँ तो बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं पूजा पाठ करने का बारे में तो नहीं जानती हूँ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने मन में भगवान की इच्छा तो कर सकते हैं ना, भगवान से अपनी बात तो रख सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं है कि वो आपके और आपके बच्चे की रक्षा करेंगे। तो मन ही मन अपने भगवान को याद करें, अपने इष्ट को याद करें, और बस खुश रहना सीखें, स्ट्रेस फ्री रहिए, और देखिए आपकी प्रेगनेंसी कितने अच्छे से निकल जाएगी और डिलीवरी भी बहुत आराम से हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। तो बस आपकी सुखद डिलीवरी की कामना करते हुए मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ रेगुलरली देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।